साहब अंबेडकर के उन सपनों को हमें पूरा करना है। आप हमारे मिलिंद जी ने वर्णन किया कि लंदन में बाबा साहब अंबेडकर का जो मकान था वहां स्मारक बनाया, लेकिन उसकी क्रेडिट पहली किसी जाती है तो कल्पना को जाती है, क्योंकि सबसे पहले आवाज उठाई थी कल्पना ने। उसने आवाज उठाई कि भाई जागो, ये मकान बीच बिक रहा है, और हम जागते थे, हमारे कान पर आवाज आई, और आज वो मकान एक प्रेरणा का केंद्र बन जाएगा। देश की युवा पीढ़ी जब भी लंदन जाएगी तो देखेगी कहाँ इस जगह पे बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण की और हिंदुस्तान को एक नया जीवन देने का प्रयास किया। आप सब ने मुझे खड़े होकर के सम्मानित किया, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस सम्मान का अगर कोई एक व्यक्ति अधिकारी है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। कभी कभार जब हम खबरें सुनते हैं कि जीवन में अघटित हो जाए, निराशा आ जाए, तो इंसान सोचता है अब जीना बेकार है, अब तो क्या करना, कोई मेरे साथ नहीं है, आत्महत्या के रास्ते पर चल पड़ता है। अच्छे घर के नौजवान भी कभी कभी उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। मैं आज सभागृह में जिनके भी मन में कभी आत्महत्या का विचार आता है उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आत्महत्या करने के विचार आने से पहले एक बार कल्पना सरोज को फोन कर दीजिए, एक बार कल्पना को फोन कर दीजिए। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कल्पना ने अपनी जिंदगी को कहां से कहां ले गई है, कितने संकटों से ले गई। जीवन और मृत्यु में से तय करने का था, उसने जीवन को जीना तय कर लिया और आज हमारे सामने बैठी। यानी निराशा के माहौल में भी जीने की आस जगाने की ताकत अगर कोई दे सकता है तो ये पूरा समाज दे सकता है।